हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 7 समाकलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं, एनसीईआरटी बुक में टिक लगवाया था मैंने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी बुक में टिक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12th मैथ की जो टाइमिंग है लाइव क्लास की, वो आपका 8:15 से आपका 9:30 तक का क्लास है इवनिंग में, ठीक। तो आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें इंटीग्रेशंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले जितने भी इसके फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आप लर्न करेंगे क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इंटीग्रेशंस नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, एंड एक्सरसाइज 7.1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं इसमें, एंड देखेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 5th का 4th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका 2nd पार्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। इन चारों फॉर्मूले को आप ड्राइव करेंगे क्योंकि इनमें से एक फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाता है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एंड इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 3rd 1/1 + 10x, इसी के जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्सरसाइज में, ये भी क्वेश्चन आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 में, तो 7.2 में आपको सॉल्व करना है इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट है, आज ही मैंने एक्सरसाइज करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20, इसको आप टिक लगाइए। एंड इसके अलावा पीछे चलते हैं तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32, 34, 36, 37, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 33 को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए क्योंकि ये अभी आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट्स। एंड आते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 में, तो 7.3 में आपका क्वेश्चन है 3rd, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे सॉल्व। एंड पीछे आते एक्सरसाइज में देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आप इसको ड्राइव करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूलेज में से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, डेरिवेशन पूछ लेते हैं 4th, 5th, 6th, इसको सॉल्व करेंगे। एंड आगे आते हैं, देखिए उदाहरण नंबर 9 का 1st पार्ट, इसको करेंगे। उदाहरण नंबर 10 का 2nd पार्ट, ये सॉल्व करेंगे। एंड आते हैं एक्सरसाइज 7.4 में, देखिए एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप एक बार भी छोड़ना मत, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है आपका। एंड आते हैं 7.5 में, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, ये आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। एंड इसके अलावा आगे आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 17, 18 एंड
22, ये आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। एंड 7.7 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 9 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 7.8 में 2 एंड 6 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7.9 क्वेश्चन नंबर 14, 18, 19 एंड 20 ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 7.10 में ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं एंड इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंड पार्ट को। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। देखिए इसके अलावा क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 31 इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 33 ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। उदाहरण नंबर 35 यहाँ पे आप दिख रहा होगा 35, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 में या 5 मार्क्स में ये पक्का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 36 एंड एग्जाम्पल नंबर 37, ये मोस्ट दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत बार आपके 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, डेफिनेटली पूछा गया 3-4 बार, हर 1-2-3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज में आता 7.11 में से 2, 5, 4 ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12, 16 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 आपका इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 42 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 45 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे MI लिखा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो सपने भी मत छोड़ना, ठीक है, करना ही करना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आता है नेक्स्ट पेज में विविध में, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 33 और 34 यहाँ पे देखेंगे 33 के बाद 34 एंड 38 ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 7 चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को टिक लगा लिया होगा। अगर वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो करके या वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप सारे क्वेश्चन पे टिक लगा सकते हैं, और अगर आप इंट्रीगेशंस एंड बाकी चैप्टर्स के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं एंड लाइव क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हो सकता है कि कल से फिजिक्स की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स एंड सारे क्वेश्चंस आपने टिक लगा लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।